Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 2, Sets, Functions and Groups. और इस लेक्चर में लेक्चर नंबर है 12. इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑपरेशंस देखेंगे थ्री सेट्स के ऊपर, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की. तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने अगर यूनियन और इंटरसेक्शन या फिर ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़े हैं तो वो सिर्फ दो सेट्स के ऊपर पढ़े हैं, ठीक है. अब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो थ्री सेट्स के ऊपर हम देखेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और बाकी ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं. तो सबसे पहले देखें, अगर यूनियन हम तीन सेट्स का लेना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास तीन सेट्स हैं, ए, बी और सी. अगर इनका हम तीनों का यूनियन लेना चाह रहे हैं तो किस तरह से लेंगे, या तो हम पहले इन दोनों का यूनियन ले लें बी और सी का, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ, ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी का यूनियन ले लें और उसके बाद हम सी के साथ जो रिज़ल्ट उसका आएगा सी के साथ उसका यूनियन ले लें, ठीक है. तो इसी तरह से हम इंटरसेक्शन का भी यही, उसके लिए भी यही कंडीशन है कि या फिर आप बी और सी की पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लें उसके बाद, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी फाइंड करके आप जो है सी के साथ उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं, ठीक है. दो केसेस बनते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के, कि या फिर पहले आखिरी दो सेट्स का इंटरसेक्शन या यूनियन ले लिया जाए और जो रिज़ल्ट आए उसका फिर इंटरसेक्शन या यूनियन ले लिया जाए पहले सेट के साथ, या फिर ये हो सकता है कि पहले दो सेट्स का पहले इंटरसेक्शन या यूनियन ले लिया जाए और जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद उसका थर्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन लेना है वो ले लिया जाए, ठीक है. तो इसी तरह से आप एक ही टाइम में यूनियन और इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कि दो सेट्स का आपस में यूनियन और एक सेट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, मतलब कि जिस तरह से ये है, ठीक है. तो ये किस तरह से आप लेंगे, एट ए टाइम किस तरह से ले सकते हैं, आप इसके लिए ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, ये ऑर्डर स्पेसिफाई कर दें कि पहले आपने क्या फाइंड करना है. लेट्स सपोज मैं पहले गया तो मैंने यूनियन फाइंड कर लें जी, तो ये ए यूनियन बी पहले मैं फाइंड कर लूँगा, ठीक है, इन दोनों का. तो जो रिज़ल्ट आएगा मेरे पास उसका इंटरसेक्शन मैं ले लूँगा सी के साथ. तो इस तरह से एट ए टाइम मैं यूनियन और इंटरसेक्शन तीन सेट्स का फाइंड कर सकता हूँ. या फिर दूसरा ऑर्डर ये क्या हो सकता है कि मैं पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लूँ और बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसका ए के साथ यूनियन फाइंड कर लूँ, ठीक है. तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. इसमें टू सेट्स भी हो सकते हैं, थ्री सेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. तो उसका थोड़ा प्रूफ भी हम देख लेंगे, किस तरह से वेरीफाई भी देख लेंगे, वेरीफाई करके भी देख लेंगे कि वो वाकई ये वेरीफाई करते हैं सेट्स या नहीं उसको, ठीक है. तो पहली मैं प्रॉपर्टी जो लिखने जा रहा हूँ वो है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है. इस प्रॉपर्टी को कहा क्या जाता है, मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है. तो जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन या इस तरह से जो भी होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है यूनियन के ऊपर भी. तो इसको हम जो है वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, दो सेट्स एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है. तो वेरीफाई भी करके चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैं एक सेट ले रहा हूँ, ए सेट है इज़ इक्वल टू वन टू और थ्री, ठीक है, कोई भी सेट आप ले सकते हैं, हर एक सेट उसको वेरीफाई करेगा. तो एक और सेट हम ले लेते हैं बी,
वो है 2, 3, 4 और 5 उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इसको इसको हमने वेरीफाई करना है ना, इस इक्वेशन को, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए की जगह मैं ए सेट लिख रहा हूँ, 1, 2 और 3, और उसके बाद यूनियन का साइन है, और बी के नीचे मैं बी का सेट लिख रहा हूँ जो कि जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 और 5। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन किस तरह से फाइंड करते हैं, जिस तरह से पहले फाइंड करते हैं दो सेट्स का, कि सब के सब एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए के भी और बी के भी, लेकिन रिपीट होने वाले एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 2 पहले हम लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, इसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है ए 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद जो कि बराबर है ए यूनियन बी के। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन की, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो इसमें बी के नीचे मैं बी का सेट लिख रहा हूँ जो कि है 2, 3, 4, 5 जिसके एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद यूनियन का साइन डाला मैंने, और फिर 1, 2, 3 हमारे पास सेट के एलिमेंट्स आ गए ए सेट के। ठीक है, अब इसका हमने यूनियन फाइंड करना है, तो मैं पहले लिख रहा हूँ जी 2, 3, 4, 5, ये मैंने लिख लिए बी सेट के एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 और 2, 1 चलें यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, उसके बाद 2 तो मैं पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस तरह से ये यूनियन आ गया 1, 2, 3, 4, 5 जो कि बी यूनियन ए के इक्वल है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें, ये है राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, दोनों का रिजल्ट सेम आया। ठीक है, दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल आया है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह से हम इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो इन्हीं दो सेट्स को मैं एज एग्जांपल लूँगा। ठीक है, दूसरी मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ डिफरेंट कलर के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और इसको कहा क्या जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पहली कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको भी प्रूव कर लेते हैं, वही दो सेट्स मैं लूँगा ए और बी। ठीक है, 1, 2, 3 ए है, बी जो है 2, 3, 4, 5 है। तो ऐसा करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन की, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के नीचे ए सेट लिखूँगा, ए सेट क्या है 1, 2, 3 उसके एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और फिर बी सेट, बी सेट क्या हमारे पास गिवन है 2, 3, 4, 5 जिसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिस तरह से पहले दो एलिमेंट्स का पहले भी फाइंड करते आए हैं, किस तरह से दो सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरह से होता है, कि कॉमन एलिमेंट्स जो आ रहे होते हैं वो हम लिख लेते हैं इंटरसेक्शन सेट में। ठीक है, तो 2 देखें तो दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 2 और 3 इसका इंटरसेक्शन आ गया, ये सेट बन गया। ठीक है, इंटरसेक्शन भी। अब हम ऐसा करते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड कर चुके हैं, अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड करना है, बी के नीचे बी सेट पहले मैं लिख देता हूँ, बी सेट है 2, 3, 4, 5, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और फिर ए सेट, ए सेट क्या है 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है,
इंटरसेक्शन जिस तरह से पहले भी देखा हमने कि कॉमन को हम लिख लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को, टू और थ्री दोनों में कॉमन आ रहा है, ये इसमें भी है टू, इसमें भी, और दोनों सेट्स में थ्री भी है, तो टू कॉमा थ्री आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें, ये दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन वन, इसको मैं इक्वेशन टू का नाम देता हूँ, तो दोनों इक्वेशंस का रिजल्ट सेम है, दोनों के सेट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल आया है राइट हैंड साइड के रिजल्ट के। तो लेफ्ट हैंड साइड का सेट में, या फिर किसके इक्वल थी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी के, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहाँ से हमारे पास ये भी प्रूव हो चुका है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने पहले भी लिखी थी कि तीन सेट्स का अगर हमने यूनियन फाइंड करना हो, ठीक है, तो दो तरह से फाइंड किया जाता है और दोनों का रिजल्ट हमेशा इक्वल आता है। तो दोनों को मैं इक्वल लिखूँगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इस तरह से, मतलब कि या तो पहले दो सेट्स का यूनियन फाइंड कर लो, या फिर आखिरी दो सेट्स का पहले यूनियन फाइंड कर लो और फिर जो बाकी एक सेट रह जाता है उसके साथ यूनियन फाइंड कर लो। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को कहा क्या जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होती है, मतलब कि तीन सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो दो तरीके होते हैं और वो भी हमेशा उनका रिजल्ट इक्वल आता है, मतलब कि यूनियन की जगह मैं इंटरसेक्शन डाल देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी, इसको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपल यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका यूनियन ले लेना है सी के साथ, और राइट साइड पे क्या करना है, पहले आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, जो रिज़ल्ट आएगा उसका यूनियन ले लेना है ए के साथ, इसी तरह से इंटरसेक्शन भी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। नहीं, ये तो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर यूनियन आएगा, यूनियन ए यूनियन सी, मतलब के कहने का मतलब यह है, देखें अगर आप दूसरी तरह से इसको देखें, ए का यूनियन किससे लिया जा रहा है, बी से भी और सी से भी। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी के दरमियान में इंटरसेक्शन। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, जिस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन पढ़ते आए हैं, उसी तरह से ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, या इस तरह से जो भी प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ते आए हैं, उसी तरह से ये प्रॉपर्टी है, हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको हम एक और मैं प्रॉपर्टी इस तरह से लिख देता हूँ कि जिस तरह से यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, उस तरह से इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा,
बाहर इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू किसके होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और दरमियान में यूनियन का साइन, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो इसमें से एक प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, प्रूव भी कर लेते हैं, तो इस वाली को कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम लेते हैं तीन सेट्स, मैं डिफरेंट कलर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक ए सेट है, ठीक है, ए सेट में ले रहा हूँ 1, 2, 3। एक बी सेट ले लेते हैं और वो इक्वल रख लेते हैं 2, 3, 4, 5 के। और थर्ड सेट सी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तीन सेट्स मैंने ले लिए, ए सेट, बी सेट और सी सेट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई भी सेट्स ले लिए हैं ये, ठीक है। आप और भी कोई और एलिमेंट्स के साथ भी सेट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट किए हैं, अब इसे हम वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जिस तरह से हमने पिछली प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था, ठीक है, उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लेकर चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सॉल्व करते हुए मैथ्स में आपको पता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी सेट लिखते हैं 2, 3, 4, 5 और उसका यूनियन सी के साथ। सी सेट क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दो सेट्स का यूनियन आ गया। अब यूनियन जिस तरह से लेते हैं, मतलब के सब सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, इस सेट के भी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, तो ये क्या बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही आएगा ना इसका यूनियन, 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट्स हो गए। आगे देखें तो 3 पहले लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं, ठीक है। अब 6, 7, 8 मैंने साथ में दूसरे सेट के भी ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अच्छा, ये ब्रैकेट तो हमने ये वाली सॉल्व कर ली, ये अब उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो उसका इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए पहले है तो ए सेट मैं लिखता हूँ, ए सेट है 1, 2, 3, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है ए के बाद, और उसके बाद बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का रिज़ल्ट क्या है, ये वाला रिज़ल्ट है, ठीक है, ये रिज़ल्ट है हमारे पास बी यूनियन सी का। तो वो मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या है कि दो सेट्स हैं और दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, मतलब कि इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो 1 देखें इसमें है लेकिन इस सेट में नहीं है, 2 जो है वो इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है, तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया। उसके अलावा 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो ये भी आ गया कॉमन, ठीक है। और कोई एलिमेंट इसमें बाकी नहीं है तो कॉमन भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो 2, 3 ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं, वो मैंने इंटरसेक्शन सेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड को हम डिफरेंट कलर से सॉल्व करते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड में हमें हमारे पास ये है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स हमारे पास क्या कौन से हैं, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले ए सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3, और उसके बाद इंटरसेक्शन और बी सेट। बी सेट हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया बी सेट, ठीक है 2 3 4 5। उसके बाद इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। 2 और 3 एलिमेंट्स देखें तो दोनों में कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 और 3। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आ गया। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट कौन सी है, ये हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। अब है ए इंटरसेक्शन सी, हमने फाइंड करना है साथ में। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए है हमारे पास 1 2 3, और उसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं सी सेट के साथ। सी सेट जबकि हमारे पास क्या है, सी सेट जो हमने खुद से सपोज किया था 3 4 5 6 7 8, 3 से लेकर 8 तक, ये दोनों सेट्स आ गए, ठीक है। इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन है, मतलब कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 1 इसमें है लेकिन इस सेट में नहीं है, 2 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो 3 इनमें कॉमन आ रहा है, ये आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड को लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका रिजल्ट भी आ गया, इसका रिजल्ट भी आ गया। अब दोनों के दरमियान में यूनियन है, तो उन दोनों रिजल्ट्स का हम यूनियन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आया था, 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, उसका रिजल्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद है यूनियन का साइन, ठीक है, ये यूनियन का साइन है। और उसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, उसका रिजल्ट हम लिखेंगे जो कि ये वाला सेट है जिसका एलिमेंट 3 है। अच्छा, अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो पहले मैं ये सेट लिख लेता हूँ 2 3, और इस सेट में क्या है, सिर्फ 3 है, ठीक है, 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए फिर यूनियन इसका यही बनेगा 2, 3, ठीक है, 2 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो ये किसका रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने फाइंड करना था, ठीक है, राइट हैंड साइड में, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें तो क्या रिज़ल्ट आया आपके पास, 2, 3, और राइट हैंड साइड में क्या रिज़ल्ट आया, 2, 3, दोनों साइड से इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट इक्वल आया है राइट हैंड साइड के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन नहीं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दोबारा ऊपर देख भी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के नीचे क्या लिखेंगे, ये राइट हैंड साइड हमारी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, हमने ख़ुद से जो है 3 सेट्स लिए, ठीक है, उससे हमने प्रूव किया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन किसी भी सेट से वेरीफाई की जा सकती है, ठीक है। आप कोई और सेट्स भी ले लें, उससे भी वेरीफाई कीजिए, तो बिल्कुल यही रिज़ल्ट आएगा आपके पास। अच्छा, उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, ठीक है, वो हम लिख देते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट को या सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है, और इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, डी
मॉर्गन्स लॉ, ये हमारी एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।